अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट पापा की प्रिंसेस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कहाँ चिट्टा है। जॉनी तंग मत करो वरना मैं तुम्हें नैप के हवाले कर दूंगी। कल तुमने बिस्किट चुराए थे ना? नैप बड़े बड़े चोरों को पकड़ने में मसरूफ है, अपने बिस्किट संभाल के रखा करो। एक तो ये अंकल ने भी ना बीच में जरूर बोलना होता। तो नाज़रीन आज के हमारे मेहमान है अंकल चुक चुक यानी शेख रशीद। देखें जी अंकल छक छक नहीं, अंकल छक छका छक, छक छका छक। शेख के दौर में ट्रेनें इतनी तेज दौड़ती हैं कि हवाई जहाज से भी आगे निकल जाती हैं। अंकल तभी तो कितनी ट्रेनें उलट जाती हैं। अंकल आप ट्रेनों को बैलेंस क्यों नहीं करते? देखें जी पिछली हुकूमत ने सारे बैलेंस खराब कर दिए थे। देखें जी वैसे शेख ने ड्राइवरों को हुक्म दिया है कि जैसे ही ट्रेन उलटने लगे नीचे उतरकर ट्रेन को सीधा कर दे। अंकल वो ट्रेनें हैं, घर में पड़े सोफे नहीं हैं जो उलट जाए तो उन्हें कोई सीधा कर दे। वैसे ट्रेनों का उलटना आवाम की अपनी गलती है, वो सारे एक साइड पे होके बैठ जाते हैं और ट्रेनें उलट जाती हैं। वाव, अच्छा अच्छा अच्छा। अंकल ये बताएं कि आप इतने सिगार क्यों पीते हैं? मेरा जॉनी कहता है कि अंकल जब सिगार का धुआं निकालते हैं तो रेलवे के इंजन लगते हैं। देखें जी ये सिगार मेरी तनाइयों का साथी है। एक जगह शेख के रिश्ते की बात पक्की हो गई थी तो मेरी होने वाली बेगम ने कहा कि या सिगार छोड़ दो या मुझे छोड़ दो, तो शेख ने सिगार छोड़ दिया। वाओ, लेकिन आपकी तो फिर भी शादी नहीं हुई। कैसे होती? उस लड़की ने ये कहकर इनकार कर दिया कि जो बंदा सिगार छोड़ सकता है वो कल को मुझे भी छोड़ सकता है। तो वो आपका इम्तिहान ले रही थी, वो कोई घरेलू सियासतदान होंगी। अच्छा ये बताएं अंकल कि आजकल ट्रेनों कितने हादसे क्यों हो रहे हैं? कहीं आपने रिक्शा चलाने वालों को ट्रेन ड्राइवर तो नहीं रख लिया? अब देखे अक्सर ड्राइवर शादीशुदा हैं, घर में तो उन्हें आराम नहीं मिलता तो वो अंजन में आके सो जाते हैं। एक ड्राइवर खाने वाल की ट्रेन कराची तक ले गया और मुसाफिरों की अपनी आंख रोड़ी जाके खुली थी। फिर तो अंकल हर स्टेशन पे ड्राइवर्स के मुंह पे ठंडे पानी का छिड़काव करना चाहिए ताकि वो होश में रहे। चलिए ये बताएं कि आपने ड्राइवर्स को जीपीएस वाली घड़ी देने का वादा किया लेकिन वो तो बड़ी महंगी होती है। अरे नहीं जी ये बहुत सस्ती घड़ी है, ये गूगल वाला जीपीएस नहीं है। इस जीपीएस का मतलब है जा पर सुकून से। ये घड़ी तो 50-50 रुपए में पठान से मिल जाती है। एक मिनट जॉनी, नहीं 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 मैं नहीं कह सकती, तुम खुद को मुझे डांटेंगे। अब मुझे बताएं जी क्या कह रहा है ये अंकल? वो ना जॉनी कह रहा है कि आपकी पार्टी ना टांगा पार्टी है जिसके कोचवान भी आप हैं और घोड़े भी आप। जॉनी ऐसे नहीं कहते। देखें जी छोटे बच्चों और राणा सनाउल्ला की बात का शेख बुरा नहीं मनाता। देखें जी अगर चिंची पार्टी कह देता तो घोड़े की इज्जत, मेरा मतलब है कि शेख की इज्जत रह जानी थी। अच्छा अंकल एक सेल्फी ले लूं फेसबुक पर लगाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। पापा की प्रिंसेस फीलिंग एक्साइटेड विद 99। कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। अंकल आप अभी तक गए नहीं? शेख को जब तक कोई निकालता नहीं है शेख नहीं जाता। ओह सॉरी मैं भूल गई। तो नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, पापा की प्रिंसेस को इजाज़त दीजिए। और हाँ मेरे स्टेटस पर कमेंट करना ना भूलिएगा कि मैं हूँ पापा की प्रिंसेस। बाय।
देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।